नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और आज है संडे। तो दोस्तों आप कहेंगे संडे को तो वीडियो बनाते नहीं, आज क्यों बना रहे हैं। बहुत ही ख़राब मौसम हो रखा है दोस्तों, 4 बजे से बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है रुक ही नहीं रही है, हर जगह पानी पानी है दोस्तों। सुबह 4:30 बजे इतनी तेज़ बिजली कड़की कि मैं तो बेड से उठ के बैठ गया, बहुत तेज़ बिजली कड़की थी। तो तब से बारिश हो रही है और मौसम ख़राब है, तो मैं सोचा कि अभी क्लाइंट्स बहुत कम हैं, आ नहीं रहे हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए, आप लोगों को कुछ बताया जाए। तो आज क्या करें दोस्तों, आज बड़ा मन है एक आपसे कहानी सुनाने का, आप लोगों को एक आपसे स्टोरी शेयर करने का, तो आप लोग होपफुली पसंद करेंगे उसको। अब हमारे पास टाइम है तो टाइम तो हमने यूटिलाइज़ करना ही है, और ऐसा यूटिलाइज़ करना है कि कुछ अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। हालांकि ये स्टोरी मैंने बचा के रखी हुई थी, मैंने बड़ा सोचा था कि इस चैनल को ना हम और थोड़ा सा एजुकेशनल चैनल की तरह, अभी तक हमारा ये सेल्स चैनल है, हम इस पे मार्केटिंग और सेल्स करते हैं, कुछ एजुकेशनल स्टफ़ भी डलना चाहिए यहाँ पे, एजुकेशन के रिगार्डिंगली भी कुछ और होना चाहिए, जिससे कि हम क्लाइंट्स को बताएं कि कैसे आप रियल एस्टेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या क्या ध्यान दें, क्या क्या चीज़ों का आप दिमाग में रखें कि ये नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, क्या क्या दिमाग में रखें आप निकलें बाज़ार के अंदर और फ्लैट देखने निकलें और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जिससे कि आप ठगे ना जाएं, आपका नुकसान ना हो, कोई लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें, आप पूरा का पूरा पैसा बचाएं, कम से कम पैसा दे के कम हर जगह पर अपना, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे वो लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस हो, चाहे वो बिल्डर से नेगोशिएशन हो फ्लैट की, आपको बिल्कुल किफ़ायती दामों पे फ्लैट मिले। तो हम ऐसा ही चाह रहे थे, कुछ ऐसी ही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन चैनल बनाने का, इनफैक्ट अलग चैनल बनाएंगे, यही चैनल पे ही हम इसको इन्फॉर्मेशन और देंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़, जिससे कि पावर, जैसे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि वो ठीक है नहीं है। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री में स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, टैक्स कितना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी पे कितनी लगती है, लेडीज़ पे जेंट्स पे कंबाइंड कितनी लगती है, टैली में कितनी लगती है, बाहर कितनी लगती है, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट राइटर कितने पैसे लेते हैं हर जगह, किस तरह से हम पैसे कम से कम मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी दे सकते हैं, क्योंकि किस तरह से हम अपनी ड्यूटी पे टैक्स किस तरह कम से कम हम अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिससे कि हम हमारा पैसा कहीं ना कहीं हमें बचे, और कमीशन क्या होती है, डीलर कमीशन क्या होती है, बिल्डर कमीशन क्या होती है, हालांकि बिल्डर्स कमीशन लेते नहीं हैं, हम डायरेक्ट बिल्डर्स के पास जाना चाहिए या डीलर्स के पास जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोन की एलिजिबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लोन की एलिजिबिलिटी कैसे पता करें, कि लोन कितना होता है, कैसे होता है, अगर मैं सैलरीड हूँ, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है तो लोन कैसे होगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ITR भरता हूँ तो लोन कैसे होगा, अगर मैं NRI हूँ तो लोन कैसे होगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लें हमसे और अपना ध्यान रखें। मतलब एक होता है ना कि ऐसा अगर आप घर से निकले हैं फ्लैट लेने के लिए, आप घर लेने के लिए, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो, बिल्कुल भी नुकसान ना हो, चाहे वो पैसे का नुकसान ना हो, चाहे वक्त का नुकसान ना हो, आपके जज्बातों का, किसी चीज़ का भी नुकसान ना हो। पर्टिकुलरली आप एक जगह जाएं जो बेस्ट है, कैसे उसको, उस जगह को कैसे ढूंढें, इंटरनेट से ढूंढें, प्रिंट मीडिया से, अखबारों में से ढूंढें, कैसे ढूंढें, और वहाँ जाएँ तो हमारा कैसे कैसे नुकसान ना हो, पैसे बचे, हर तरह से, इस तरह की बातें करने के लिए हमने अपना चैनल सोच रहे थे कि ऐसा हम नए नया कंटेंट बनाएं और एजुकेशनल वीडियोस डालें। बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों हमारे पास लोन्स के रिगार्डिंगली, रजिस्ट्री के रिगार्डिंगली, फ्लैट कितना, क्या BHK मतलब क्या होता है, कितना बड़ा फ्लैट होता है, किस किस ऑप्शन कहाँ कहाँ बनाते हैं, किस किस तरह के फ़ायदे हैं उधर, और कम रेट में अगर हमारे पास बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमारे पास डाउन पेमेंट ना हो तो क्या हम फ्लैट खरीद सकते हैं, या डाउन पेमेंट कम हो तो फ्लैट खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ ये ना हो कि आज हम आपको लेके आए हैं हरिविहार में या फिर द्वारका में या गुड़गांव में या पालम में और फ्लैट बेच रहे हैं, नहीं, कुछ ज्ञान भी दें आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दें आपको,
कुछ आपने ट्रेड सीक्रेट्स भी बताए कि किस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, वक्त बचा सकते हैं और अच्छी डील ले सकते हैं जो कि आपको आगे कई सालों तक फ़ायदा दे। क्योंकि दोस्तों मकान लेना एक ऐसा होता है कि एक ये मतलब मकान लेना मतलब एक इंसान अगर मकान लेता है तो उसमें कई साल रुकता है। मतलब ये शर्ट की तरह नहीं, गए यार शर्ट ले ली अच्छी लग रही है, पहनी दो चार बार यार पसंद नहीं आया चल छोड़ना दूसरी शर्ट लेते हैं। मकान के साथ ऐसा नहीं करता। शर्ट हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये की आती हो बट मकान लाखों का आता है, करोड़ों का आता है, तो उसमें आते ही एकदम से नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए मकान लेते वक्त? एरिया देखना चाहिए, लोकेलिटी देखनी चाहिए, अपना पड़ोस देखना चाहिए, मकान के अंदर फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ क्या है, उस कॉलोनी के अंदर फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ क्या है, DDA MCD वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल कितने पास हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये हम करना चाह रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे बताइए कि आप लोग, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ये जो भी कंटेंट बनेगा ये आप लोगों के लिए बनेगा, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कंटेंट हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप विनय जी ये वीडियो बनाएं कि आप ना बनाएं, या बनाएं तो क्या क्या अपने मन में ध्यान रखें कि हमारे इतना आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं जो कि हम वीडियो में डालें। आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं हमसे? हमारे पास तो अब हम ये काम कर रहे हैं अगर 15 साल से तो हमारे पास तो इस फील्ड के रिगार्डिंगली बहुत ज्ञान है, बट आप लोग ये काम नहीं कर रहे। कुछ लोग IT में होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे किसी चीज़ का भी, तो आप लोगों के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि किस तरह से क्या होता है। तो आप पूछो, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत विडंबनाएं होंगी, तो वो मैं चाहता हूं कि वो सवाल, वो विडंबनाएं, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर की जाए इस चैनल के थ्रू और इस कंटेंट के थ्रू। मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएँ रियल एस्टेट की। एटलीस्ट रियल एस्टेट के अंदर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आने दें। और दोस्तों साथ साथ हमारा सेल्स मार्केटिंग का भी कंटेंट डलता रहे, दोनों चीज़ें पैरेलली चलें। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिससे कि रियल एस्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्ञान हम आपको दें, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप फ्लैट ले सकते हैं, कैसा पैसा बचा सकते हैं, कहाँ पे फ्लैट लिया जाए, किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी, किस तरह के आपको फ्लैट दिखेंगे और उसको कैसे आप प्रोसेस क्या होता है, कैसे साइट विजिट्स होती है, कैसे उसके टोकन होते हैं, कैसे बयाने होते हैं, कैसे एग्रीमेंट टू सेल बनते हैं, कैसे लोन की फाइल जाती है, लोन के कितने दिन बाद हो जाता है, कितना लोन होगा, कितनी रजिस्ट्री होगी, फिर रजिस्ट्री के बाद फिर आपका हैंड ओवर होगा, हैंड ओवर के बाद आपका प्रॉपर तरीके से आप घर में आ जाएंगे, घर में आके आपको प्रॉपर हैंडओवर दिया जाएगा, वहाँ पे फिर कोई दिक्कतें आए ना आए उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब इसी तरह का मैं आपसे चाह रहा था कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वीडियो बनाएं। इनफैक्ट मैं आज आपको कहानी सुनाना चाह रहा था बट बात कहाँ से कहाँ निकल गई। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक दो करेक्टर्स मेरे दिमाग में थे, एक सुखीराम और दुखीराम, जिसमें मैं कुछ सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था इस सुखीराम दुखीराम की अपने अपने चैनल पर, जिसके अंदर सुखीराम सुखी क्यों है और दुखीराम दुखी क्यों है। सुखीराम सुखी इसलिए है कि उसके आइडियाज़ और उसके जो एक्शंस हैं जो वो करता है वो ठीक करता है, सही दिशा में करता है, सोच समझ के करता है, हर चीज़ों को मद्देनज़र में रखता है, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी ज्ञान लेके करता है, इसलिए उसके एक्शंस ठीक हैं, उसकी आइडियाज़ ठीक हैं, इसीलिए वो खुश रहता है, इसलिए वो सुखी है, इसलिए वो सुखी राम है। दुखी राम दूसरी जगह पे गलत काम करता है, गलत डिसीजंस लेता है, गलत आइडियाज़ है, गलत संगति है उसकी। रियल एस्टेट के बारे में ही होगा ये प्रॉपर कि तो उस वो दुखी इसलिए है कि उसके एक्शंस गलत हैं, वो जो काम करता है वो गलत है, उसके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है उसकी सोच है वो गलत है। सुखी राम एक जगह, अब इसमें आ जाता है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ किराया पर आया है, किराए के मकान में ना रहें अपना मकान लें, तो दोस्तों किराया जो है ना वो दुखी राम वाला काम है और घर खरीदना है वो सुखी राम वाला काम है। दुखी राम, अब वही बात आ जाती है ना एक कहानी की, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों, ये कहानी मैं प्रॉपर तरीके से बना के ना एनिमेशंस के साथ में आपको प्रेजेंट करूँगा। मेरे को बताना ज़रूर अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे को नीचे प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ लिखिएगा कि विनय जी करिए, गो अहेड, बहुत अच्छा आइडिया है, गो अहेड, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे करूँगा ये काम। सुखीराम और दुखीराम दो दोस्त थे,
उत्तर प्रदेश के एक गाँव से निकले, दिल्ली आए, उनके माँ बाप ने उनको भेजा। तो जब उनको भेजा, उनकी दिल्ली आए, मेहनत करी, पढ़ाई करी, नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। पैसा इकट्ठा हुआ तो सुखी राम ने सोचा, वो पैसा, घर तो रहने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, एक छत तो चाहिए। तो सुखी राम ने कुछ जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो दे के और एक घर खरीदा, जिस पे उसने लोन कराया 80%, जो भी उसने 80-90% लोन कराया। तो दुखी राम ने दूसरी जगह पर जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको उसने FD में या कहीं भी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। कुछ सालों बाद, 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद, आज सुखी राम के पास एक घर है अपना, वो EMI दे रहा है। 15 साल बाद उसकी EMI ख़त्म भी हो गई है, उसके पास बैंक से कागज़ भी छूट गए हैं। आज वो एक्चुअल होम ओनर है। जो मकान उसने कुछ लाखों का लिया था, लेट से 10 लाख रुपए का लिया था आज से 15 साल पहले, वो आज अंदाज़न 1 करोड़ का हो गया है, जो कि सच्चाई भी है। 15 साल के अंदर, अगर हम द्वारका की बात करें तो 15 साल के अंदर पहले जो LIG या MIG फ्लैट जो आते थे वो 10-10, 15-15 लाख के मिलते थे। आज वही चीज़ 90 लाख 1 करोड़ तक की हो गई है, DDA की बात कर रहा हूँ। तो आज सुखी राम के माँ बाप इसलिए खुश हैं, अपने बच्चे के लिए बहुत प्राउड करते हैं, अपनी छाती चौड़ी रखते हैं, क्यों, मेरे बच्चे ने दिल्ली में जाकर अपना मकान ले लिया। वहीं दुखी राम जो है वो आज भी हर साल मकान चेंज करता है, क्योंकि मकान मालिक के ताने सुनने पड़ते हैं, मकान मालिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं रहता, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे पानी को लेके हो। मकान मालिक थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनसे जो राइट्स हैं उनके एग्जैक्ट वो नहीं लेते, और आना जाना पे रोक टोक, ज़्यादा शोर मचाने पे रोक टोक, बहुत सारी रोक टोक हैं। तो आज दुखी राम को फिर मकान चेंज करना पड़ता है, आज वो किराए पे ही है 15 साल बाद भी। उसने जो पैसे डाले थे म्यूचुअल फंड में या फिर, वो कुछ अच्छे हो गए हैं, बट वो 1 करोड़ रुपये नहीं हो पाया। वो 10 लाख रुपये आज 30-35 लाख रुपये हो गए हैं, बट सुखी राम का जो उसने मकान खरीदा था वो आज 1 करोड़ का हो गया। तो आप ये देखिए कि सुखी राम अपने एक्शंस, जो उसने काम किया, उसने कुछ पैसे जो जोड़े हुए थे उसको डाउन पेमेंट करके फ्लैट ले लिया। उस समय 10 लाख रुपए का फ्लैट आज 1 करोड़ का हो गया, आज वो करोड़पति हो गया। दुखी राम ने जो पैसे लिए थे वो डाल दिए FD में, और वो उसके पास आज 30-35 लाख रुपए हैं, और वो आज भी रेंट दे रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ लाखों रुपए का वो रेंट भी दे चुका है, जिसकी रिटर्न नहीं है। इधर अगर उसने सुखी राम ने लाखों रुपए का रेंट दिया है तो उसका प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हुई है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन नहीं हुई है। प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन उसकी हुई है जो मकान मालिक था, समझ रहे हैं, मकान मालिक था, उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हुई। इसके जो रेंट दे रहा था हर महीने ये 5,000, 7,000, 10,000 रुपये, वो ज़ीरो हो चुका है। बट इसके डाउन पेमेंट जो इसने की थी, तो दुखी राम के पास आज 30-35 लाख हैं और सुखी राम के पास 1 करोड़ रुपए का एसेट है। दोस्तों आप खुद समझ लीजिए सुखी राम कौन है और दुखी राम कौन है। सुखी राम सुखी इसलिए है क्योंकि वो सही डिसीजंस लेता है, और दुखी राम दुखी इसलिए कि वो डिसीजन सही नहीं लेता है। तो ये एक छोटी सी ब्रीफिंग दी थी। मैं एक ऐसी ही स्टोरीज़, ऐसी ही एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था कि जिससे कि ना आपको एक तो एंटरटेनमेंट भी हो और एक कुछ ज्ञान भी मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले, आपको पता चले कि हाँ भाई ये होता है। मेरे पास लोग आते हैं दोस्तों, मैं जब बोलता हूँ ना किराए पर आया है, लोग आते हैं और ऑनेस्टली मुझे बोलते हैं कि विनय जी आपकी बात ना चुभती है हमें, लिटरली हमें दिल में चुभती है कि हम आज, हमें दिल्ली में आए हुए अंदाजन 12 साल हो गए हैं, 12 साल आए थे हम, और 12 साल मेरी जॉब लगी थी, 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 12 साल से हम किराए पे हैं। मैंने शुरुआत की थी 3,000 रुपये किराए से, और आज मैं अंदाज़न 18-20 हज़ार रुपये किराया दे रहा हूँ। और आपकी बाप की जब वीडियोस देखता हूँ, आप बोलते किराया पर आया, तो मेरे को बात चुभती है कि मकान मालिक ने कितने मेरे ऊपर जुल्म किए हैं, कितने प्रॉब्लम्स झेली हैं। रातों रात मेरे को मकान मालिक ने बोल दिया मकान छोड़ो, और मकान मालिक ने जो बोला कि मैं पेंट करा के दूंगा, ये करा के, तो कुछ नहीं कराता। हर साल में 2 साल में मेरे को मकान छोड़ना होता है, फिर निकलना होता है मकान। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके मकान ढूंढने निकलता हूँ, फिर मकान शिफ्ट कराने के लिए छुट्टी लेता हूँ। ऑफिस में भी माहौल ख़राब होता है, पर्सनली मेरे को गांव से लोग बुलाने पड़ते हैं, मेरे कज़न्स वगैरह के, मेरी शिफ्टिंग में हेल्प करा दो, कितना, क्योंकि सब एक मिडिल क्लास इंसान के पास इतना पैसा नहीं है ना सबको बांट के और एकदम बुला ले किसी को भी कि भैया आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, काम करा दो, ऐसा सबके पास होता नहीं है।
गांव से मेरे कज़न्स को बुलाना पड़ता है, उनका भी डेली रूटीन, उनकी पढ़ाई वगैरह सब डिस्टर्ब होती है। तो कितनी डिस्टर्बेंस होती हैं और कितनी प्रॉब्लम्स, हम बिजली का पैसा ज़्यादा मांगा जाता है, पानी का पैसा हमसे ज़्यादा मांगा जाता है, पार्किंग के लिए अनफ जगह नहीं दी जाती है हमें, जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सीढ़ियों में हो गई, लिफ्ट में हो गई और घर के अंदर हो गई, वो प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया जाता है। तो इतने जुल्म सहने के बाद भी हम आपकी वीडियो देखते और देखते ना किराया पराया, तो हमें दिल से लगता है, दिल से आंसू आते हैं कि यार किराया पराया ही था, लाखों रुपए मैं किराया दे चुका और आज ज़ीरो है मेरे पास। उतना ही अगर मैं ईएमआई दे देता ना अगर, तो आज मैं मकान मालिक होता अपना, आज नहीं होता दो चार, मतलब मकान मालिक तो होता ही, और दो चार साल बाद मेरी रजिस्ट्री बैंक से निकल जाती, मेरी ईएमआईज भी ख़त्म हो जाती, बट किराया कभी ख़त्म नहीं होगा। ईएमआईज फिर भी एक 10 साल 15 साल 20 साल बाद आके ख़त्म हो जाएंगी, बट किराया कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों आपका। वही लोग आके मेरे को बोलते हैं कि दोस्तों किराया तो चलता ही रहेगा विनय जी, अब ईएमआई तो फिर भी ख़त्म हो जाएगी, मकान मालिक तो हम बन ही गए हैं, तो बन ही जाएंगे इनफैक्ट। तो ये जो बातें हैं ना, ये बड़ा मोटिवेशन देता है हमें कि हम और आगे बढ़ते हैं और अच्छे मकान बनाते हैं और कुछ अच्छा चीज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों मैं अब मेन फीडबैक आपका है, जो सुखी राम दुखी राम वाली मैंने आपको कहानी सुनाई वो कैसी लगी आपको, क्या मैं सुखी राम दुखी राम के इमोशनल एनिमेशन कैरेक्टर्स बनाऊं और उनको लेके आऊं आपके पास, और क्या ऐसी स्टोरीज़ जो एंटरटेनमेंट भी हो और जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो वो भी आपके लिए लेके आऊं, और या आपकी आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन वाला चैनल बताया कि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ वो भी लेके आऊँ, क्या सुखी राम दुखी राम को दोनों में मिक्स कर दूँ, मतलब आप लोगों से मैं रियल टाइम फीडबैक चाहता हूँ कि क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाना जिसमें सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग ना हो और इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, तो वो मैं शुरू करूँ या ना करूँ। तो मेरा बड़ा मन था इनफैक्ट ऐसे प्रॉपर तरीके से काम करने का, जिसके अंदर हम आगे बढ़ के और काम करें और आप लोगों को भी और सतर्क करें कि लोग, दुनिया पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती दोस्तों, मतलब हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। तो आप अच्छे लोगों से ही मिलें, बुरे लोगों से ना मिलें, जो कि आप हो सकता है आपके आपको ठग लें, आपके पैसे ठग लखा मतलब पैसे से ठग लें आपको, और आपके जहां 2 रुपये लगने हैं वहाँ 10 रुपये लगें, तो आप लोगों को नॉलेज नहीं है, बट क्या कह सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि आपका वक्त भी बचे, आपके पैसे भी बचें। तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन, मतलब प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा डिसीजन ठीक है नहीं है, और आगे मैं करूं और जल्द से जल्द मैं करूं या ना करूं। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को अगर ये पूरी वीडियो देखी है ना, तो दोस्तों आप लोग मेरे लिए बहुत करीबी हो, कि आप लोग ही हो जिसकी वजह से हमारा चैनल इतना ग्रो किया है और हमारा मार्केटिंग इतना ग्रो किया है। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आपको कुछ मत करिए, आपको कोई लाइक वाइक करने की ज़रूरत नहीं है कोई, बस आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा मेरे को कि येस और नो, एटलीस्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिख पाएँ कि हाँ वीडियो, इस तरह की वीडियो बनाई है विनय जी, अच्छा लगता है, इस तरह कुछ राय देना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते ना, तो एटलीस्ट येस और नो जरूर लिखना। नो मतलब कि आप ऐसी वीडियोज़ ना बनाएं और जो भी बनाते आए वही चले, या येस मतलब कि हाँ आप जो बनाते आए वो भी करें और जो अब नया शुरू करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ बनाना वो भी करें। तो येस मतलब मेरे लिए बहुत मैटर करेगा कि अगर आप येस लिख के देंगे तो मैं आगे और मेहनत करूँगा और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा, और आप नो लिखेंगे तो हम जो काम करते आए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे और अपना कंटेंट अच्छा करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आपने लिखना पड़ेगा येस। आप कुछ मत करिए, आपने सिर्फ येस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये येस आप वीडियो बनाइए, नो आप वीडियो जो बनाते हैं वही बनाइए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप लोगों का कमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी हो तो मुझे बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा फीडबैक आएगा फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और अपना फीडबैक शेयर करूंगा किन किन लोगों ने कमेंट किया, और उन सबके नाम भी मैं इनफैक्ट वीडियो में लूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया और जो लोग हमें चाहते हैं, मुझे वीडियो बनाना देखना चाहते हैं, तो उन लोगों का नाम भी मैं ज़रूर लूँगा। तो ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हम
कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी हर एक या दो दिन में डलें, और जो वो फ्लैट्स वाली वीडियो है वो तो डेली डलती है, चाहे वो रील डले, शॉर्ट वीडियो डले, चाहे फुल वीडियो डले, वो तो डलती डलती है। बट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी डले, उसका हम एक टाइम रख लेंगे, एक टाइम होगा कि उसी टाइम आएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।